हाय हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत टाइम पहले, आज से लगभग 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला था मिनी डीजे का, कि मिनी डीजे कैसे बनाया जाता है। 8 मिनट का वीडियो था और उस पर मेरे अब तक के 50-55 वीडियो डाले गए थे, उनमें सबसे ज़्यादा उस पर व्यूज है, 5000 पूरे हो चुके हैं। मिनी डीजे का उसका वो व्लॉग था और आज का ये व्लॉग है पूरा बड़े वाले डीजे का, कि डीजे कैसे बनाते हैं और कितना खर्चा आता है और कौन बना रहा डीजे वो भी है। और आपके भी अगर अड़ोस पड़ोस में किसी को डीजे से रिलेटेड कोई काम हो तो भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अंदर जानते हैं क्या चल रहा है डीजे का सीन। ये है वो जगह, ये है विश्वकर्मा डीजे उद्योग, ये है सुखदेव जी सुथार, नाड़सर के ये है निवासी और भोपालगढ़ में इनका ये डीजे उद्योग है। और इनके दो बेटे हैं सुखदेव जी के, संजय और अजय, तो वो भी साथ में ये काम करते हैं। तो वो सामने वो डीजे भी बन रहा है शुरुआती प्रोसेस में। और ये रोड है पिंपाड़ रोड भोपालगढ़ पे, ये इनका डीजे उद्योग है। कोई काम हो डीजे रिलेटेड तो यहाँ से संपर्क करें, एड्रेस दे रहा हूँ, कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूँ। चलिए अंदर चलते हैं। ये चल रहा है डीजे का काम। ये पिकअप है, पिकअप के पीछे की बॉडी को काट दिया गया है ऑलमोस्ट सारे पार्ट, और ये अलग से सेटअप बनाया गया है स्पेशली डीजे के लिए। और इधर भी ये काम डीजे का चल रहा है। इधर एलईडी लगेगी पूरी, ठीक है। और ये पिकअप यहाँ से पिकअप का पीछे का काट दिया गया है पार्ट, और ये अलग सेटअप कर दिया गया अंदर। यहाँ मशीनें वगैरह लगेगी और यहाँ स्पीकर, और अभी सारा बहुत काम बाकी है। इधर ये काम चल भी रहा है। ये अजय, ये घनश्याम और संजय इधर है नहीं, हम संजय को मिस कर रहे हैं। हाँ, जो इसका मेन ठेकेदार है ना, मेन तो सुखदेव जी है। तो ये स्पीकर है डांस फ्लोर के लिए, तो अगर किसी को डांस फ्लोर से रिलेटेड भी कोई काम हो तो भी इनसे संपर्क करें। तो ये डांस फ्लोर की मशीनें वगैरह, ये स्पीकर, और ऐसे ही स्पीकर आएंगे इस डीजे में भी पीछे। तो अभी इस डीजे का आप हाल देख लो और जब पूरा बनेगा तब देखना, वीडियो के एंड में देखना आप, क्योंकि ये इस वीडियो की शूटिंग सबसे लंबी होने वाली है, ऑलमोस्ट 10 दिन तक। तो इस 10 दिन का काम मैं इस भाई को दे रहा हूँ, ये काम करेगा अपना। और वो बैठे हैं सुखदेव जी जो डीजे के लिए स्पीकर तैयार कर रहे हैं। और आप डीजे बनने का प्रोसेस देखिए, पूरा वर्क देखिए, मिलते हैं वीडियो के एंड में।
ये हमारे यहाँ कारीगर है, काम करने आए हैं, और ये है हमारे यहाँ ठेकेदार, ये ठेकेदार है। इनको दिन के 500 रुपए के हिसाब से कारीगर है, और ये ठेकेदार साहब कितना काम हो रहा है, क्या कितना काम चल रहा है? हाँ, कब तक खत्म होगा, कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? हाँ, मतलब डीजे कब कंप्लीट होगा? खत्म नहीं होना चाहिए, खत्म होगा तो। अरे हाँ, डीजे कंप्लीट, ये कब बनेगा? अभी कल, कल थोड़ा जोर से बोले तो मजा आएगा। कल कल ठीक है, ओके भाई साहब, कल आते हैं फिर वापस। कमिंग सून, ओके। तो भाई साहब, जितना भी अब तक आपने वीडियो देखा है ना, वो आज से पिछले 25 दिनों में शूट हुआ है। तो मतलब जितने दिनों में अक्षय कुमार अपनी फिल्म पूरी रिकॉर्ड करके, शूट करके, जो सब एडिटिंग करके रिलीज कर देता है ना, उतने दिनों में तो हमने एक सिर्फ डीजे का ब्लॉग बनाया है। तो देख लो कितनी मेहनत लगी होगी, पूरी तरह से डीजे बन के तैयार हो चुका है, और आज हम आखिरी रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं डीजे की, प्रॉपर पूरा व्यू बताने आपको। और मेरे साथ श्याम है, और अब हम जा रहे हैं, संजू भी आज वहीं होगा, तो संजू से मिलते हैं, और अजय तो वैसे है ही है। तो चलिए आज फाइनली देखिए कैसा है व्यू, चलिए। और ये आ गया उनका कारखाना, और ये है भोपालगढ़ में पिंपाड़ रोड पर। तो भाई साहब, ये डीजे बनना है, देख लो। अभी इसको बाहर ले जाएंगे, पूरा साइड से दिखाएंगे। ये अलग ही मॉडल में बना है, ये पूरा ऐसे नहीं रहेगा, ये अंदर जाएगा, और जहाँ पे डांस करना होगा ये बाहर आ जाएगा। अभी गजब का मॉडल है। भाई साहब, डीजे बन चुका है, पूरी तरीके से डीजे बन चुका है। ऊपर वाला वो जो बाहर निकलने वाली लाइटों वाला है, वो बस उसका काम चल रहा है, और कंप्लीट डीजे बन चुका है। और इसके जो ओनर है, ये भाई साहब है। भाई साहब कहाँ से है? सांचौर से। ये भाई साहब सांचौर से हैं। सांचौर यहाँ से पड़ता होगा कितना, लगभग 300 किलोमीटर दूर से यहाँ आए हैं डीजे बनवाने। तो भाई साहब यहाँ पर संपर्क कैसे हुआ सुखदेव जी से? सांचौर में दो तीन डीजे बनाए हुए हैं। अच्छा, तो उनके माध्यम से। हाँ। तो फिर अभी डीजे मेरे को भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, क्या कहेंगे डीजे पे? मतलब इनकी मेहनत पे, जिस हिसाब से इन्होंने डीजे बनाए, हमें इनको पहना था कि हमें डीजे हटके चाहिए। अच्छा। हाँ, वैसे हटके बना है, ऐसा नहीं हटके बना है डीजे, तो ताकि फ्लोर में भी काम आ जाए। हाँ, इस हिसाब से भी बनाए। सुखदेव जी की जो ये मेहनत है, इसमें कोई उनके लिए वो दो शब्द जी का मतलब माइंड और मेहनत है ना। हाँ। उसकी मतलब जितनी तारीफ करे उतनी कम है। ओ, धन्यवाद भाई साहब। ये थे हमारे भाई साहब डीजे का ओनर, और ये रहा डीजे।
डीजे का काम सबको पसंद आया, बनाने वाले को भी और जिनके लिए बनाए गए उनको भी। ये बना पूरा डीजे। अब इसका जो एक है ना अलग मॉडल, ये क्यों है पहले वो आपको बताता हूँ। ये इधर से ना ये पूरा यहाँ से खुलता है और पीछे लाइट, अगर डांस फ्लोर पे डांस चल रहा है तो पीछे पूरी लाइटें होगी। अभी देखिए, ये खुला पूरा, ठीक है। इधर से ये रहेगा, इधर पूरी तरीके से लाइट है और सेम टू सेम उस साइड भी है, अभी वो भी बताता हूँ आपको। और ये इस साइड है, ये भूल गया, ठीक है। और ऊपर जो लाइटों वाला है वो ऊपर से बाहर आता है, चेन वाला सिस्टम लगा रखा है तो ऊपर से पूरा इधर ये आएगा और ये दोनों इस साइड में रहेंगे। मतलब अगर डांस फ्लोर पे डांस चल रहा है बंदोली में तो गजब का माहौल बनेगा इससे। ये बना है डीजे, इधर से भी ये लाइटों वाला बाहर निकलेगा और इधर भी, और ये ऊपर और लाइटों वाला है, छत टाइप है, अभी बाहर निकालेंगे। ये है पूरा डीजे। तो भाई साहब ये था डीजे पूरा का पूरा डीजे। तो वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी मेहनत लगी, और बस यही है कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और डीजे से रिलेटेड कोई भी काम हो, कोई भी छोटे से बड़ा, या डांस फ्लोर रिलेटेड, डीजे रिलेटेड, संपर्क करें। इधर हमारे ये हमारे ठेकेदार साहब है, काफी दिनों बाद आज कैमरे के सामने, खुश मिजाज इंसान और हंसमुख इंसान। तो इनसे संपर्क करें डीजे से रिलेटेड कोई भी काम हो, सामने रहे, आप कैमरे का सामना करें। बाकी मारवाड़ी में 5 बजे कम ले लें, ठीक है। एक विशेष और इम्पोर्टेंट जो बात है, जो अभी ये टाइटल में जो जिस आईडी को मेंशन करके रखा गया है ना, वो इसी डीजे उद्योग की है, विश्वकर्मा डीजे उद्योग, उसको जाके भी चेक कर ले। तो बस ये था वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।